मेरे सपनों का भारत, वेयर द बेल ऑफ हैप्पीनेस रिंग्स, वेयर द बर्ड्स इन हार्मनी सिंग्स। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इस अवसर पर देश भर के युवाओं ने कल के भारत के बारे में अपने विचार लिखे। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां, दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। देश भर के युवाओं ने अपनी कल्पना में पंख लगाए, अपनी कलम में नई ऊर्जा भरी और हमारे सामने रखी तस्वीर उनके सपनों के भारत की। मैं चाहती हूं कि मेरे सपनों का भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सक्षम देश हो। दिस एनवायरमेंटल इश्यूज विल बी टेकन सीरियसली टुवर्ड्स द क्लीन इंडिया, टुवर्ड्स द बेटर इंडिया। एंड पीपल विल बी फुल ऑफ कंपैशन एंड एंथुसियाज्म एंड ब्लिस। इट इज 100% लिटरेसी रेट इन इंडिया। सभी गरीबी से मुक्त हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो। So the India I see in 2047 is technologically very, very advanced nation. I believe that we youth will change the future of our nation. I love my country and I'm very proud to be an Indian. मेरे सपनों का ये भारत कब मुझको मिल पाएगा? जब पहुंचूं दूर गगन में, देख मुझे मुस्कुराएगा। देश भर के लाखों युवा सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखकर ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिखे हर शब्द उनके संकल्प हैं, जिसे वो अपनी प्रतिभा और परिश्रम से सिद्ध करेंगे और करेंगे निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत का।